हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटीसी स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस पैथन क्लासेस में। तो हमारे कोर पैथन या बेसिक पैथन की इन क्लासेस हम बात कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में दो तीन चीज़ों पे बात की, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे बात किया था, किस तरह से मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया था। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जी हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि मैथमेटिक्स से ही डिस्कस होता है, मैथमेटिक एक तरह से समझिए इसको, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। हम असाइनमेंट मतलब कोई वर्क को असाइन करते हैं। तो क्या है, तो इसकी इमेज मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे इक्वल असाइनमेंट्स है, जिसके आप दे सकते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आपको अगर मान लीजिए कि ये सेम वर्क करना है कि आपको जेड इक्वल टू जेड प्लस वाई करना, एक्स प्लस वाई करना है, यहाँ पे देखिए कि दो ऑपरेटर को यहाँ पे जेड प्लस इक्वल टू हमने एक्स कर दिया, तो जेड की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आपस में प्लस हो गई। यहाँ माइनस हुआ तो माइनस हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे देखिए डिवाइड है तो डिवाइड हो गया, और यहाँ पे मोड निकल गया दोनों के बीच में, यहाँ ए स्क्वायर हो गया दोनों के बीच में, और यहाँ पे डिवाइड हो गई वो भी फ्लो डिविजन्स में, मतलब कि विदाउट डेसिमल्स। तो चलिए इसके एक एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। तो हम वीएस कोड पे आते हैं। वीएस कोड में आने के बाद हमने यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमने 10 ले लिया एंड वाई इक्वल टू हमने 20 ले लिया। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसको करते हैं प्रिंट, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर में हमने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में द वैल्यू और यहाँ पे इक्वल सेमी कॉलन दे दिया और यहाँ पे कॉमा हमने जेड दे दिया। तो आप प्रिंट करेंगे तो इन दोनों वैल्यू को प्रिंट करके आपको यहाँ पे नीचे शो करेगा, जिसे आप देख सकते हैं कि द वैल्यू इज 30। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा असाइनमेंट करते हैं, क्योंकि जेड पे जो अभी है वो 30 स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि जेड प्लस इक्वल हमने दे दिया मान लीजिए y। तो फिलहाल अभी z प्लस 30 है, यहाँ पे ऐड हो गया 30 हो गया, और 30 पे हमने यहाँ पे 20 ऐड हो गया, तो रिजल्ट हमारा 50 आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पे द वैल्यू इज 50 करेक्ट आ रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं माइनस कर दिया, तो मतलब कि पहले से 30 है, 30 में हमने 20 माइनस किया तो 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगेन रन करते हैं, तो ये देखिए द वैल्यू इज आ गया आपके पास 10। अब मान लीजिए मुझे इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन दिए, तो यहाँ पे आई थिंक 2 आना चाहिए, क्योंकि जेड 30 है और वाई 20 से डिवाइड, वाई नहीं, हम एक काम करते हैं यहाँ पे एक्स से डिवाइड करते हैं, ताकि 3 रिजल्ट आना चाहिए, 3.0 करके यहाँ पे आया। अब ये 0.0 लगा हुआ है ना, अगर मैं इसी को दो बार y लगा देता हूँ डिवाइड, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, कि फिर सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि फिर डेसिमल में नहीं आएगा रिजल्ट, मतलब कि रिमाइंडर डेसिमल को छोड़ देगा, पूरा वैल्यू के अंदर आपका आता है जब डबल करते हैं। तो सेम अगर मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर तो मल्टीप्लाई बाई 300 आ गया। लेकिन मान लीजिए कि मुझे x के ऊपर, यहाँ पे मान लीजिए x की जगह पे मैं एक और करता हूँ, एक t कर देता हूँ, t इक्वल टू 2 कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे दो बार अब लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देता हूँ t, तो जो यहाँ पे x 10 हो गया, 20 दोनों प्लस 30, तो ये 30 का स्क्वायर आपको रिजल्ट देगा। जी हाँ, 30 का स्क्वायर, देखिए 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 339, तो 900 आया, तो ये हमारा स्क्वायर आ जाता है।
अब मान लीजिए कि अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक परसेंटेज का सिंबल दे दिया इक्वल से पहले। तो परसेंटेज का सिंबल किसका होता है? मॉड्यूल का होता है, सॉरी शेष रिमाइंडर, शेष फल दिखाएगा आपको, शेष फल। ये देखिए शेष फल यहाँ पे जीरो है क्योंकि पूरा का पूरा कट गया, कट चुका है। अगर यहाँ पे मान लीजिए टी की जगह पे मैं थ्री कर देता हूँ तो आप देखेंगे कुछ शेष फल आएगा, अभी भी जीरो आ रहा है। और थर्टी है ना, थर्टी हो जाता है ना, चार करता हूँ, थर्टी थर्टी को तीन से डिवाइड करेंगे तो घर सी बात नहीं आएगा, यहाँ देखिए दो आ गया। मतलब क्या हुआ कि ट्वेंटी प्लस थर्टी, ट्वेंटी टेन प्लस ट्वेंटी हो गया थर्टी, और थर्टी को क्या किया इसने, आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्टी को इसने फोर से डिवाइड किया। और डिवाइड करते समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छः चौका सात चौका अट्ठाईस, मतलब कि यहाँ पे सेवन, और यहाँ पे देखिए हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं इसे चौका और छक्का हम लोग करते हैं, आप लोग शायद इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो टू इंजा थ्री इंजा सेवन इंजा करते होंगे, हम तो ऐसे ही करते हैं सर। यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये जो टू है ना, ये टू निकालता है हमारा परसेंटेज का साइन, जो कि इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बात की असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की, अब असाइनमेंट ऑपरेटर से हम बहुत सारे कैलकुलेशन तुरंत कर लेते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई, अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए सेम चीज़ जरूरी नहीं कि ये हमें इस तरह से ही करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, टी मल्ट यहाँ पे टी मल्टी जेड मल पावर ऑफ टी किया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि जेड इक्वल टू जेड और यहाँ पे टी, तो ए भी हम लिख सकते थे, ए भी हमारा करेक्ट तरीका था। लेकिन हम डायरेक्ट हम इसको भी ऐसे लिख सकते थे, हमें एक ऑपरेटर यहाँ पे से करने से पहले बच गया, काम हमारा छोटा हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे हम इसको कम कर सकते हैं। अब इसी में हम वैल्यू अगर हम असाइन करते हैं तो वैल्यू असाइन करने से, यहाँ पे देखा आपने एक्स जेड और यहाँ पर इस तरह से कर दिया, तो हमें वैल्यू असाइन करने का भी एक तरीका है। जैसे कि हमने बोल दिया कि x इक्वल वाई इक्वल टेन, अब क्या हो गया कि x और y के दोनों के जो वैल्यू है दोनों पे हमारा टेन स्टोर हो गया। जी हाँ, दोनों पे क्या स्टोर हो गया, टेन स्टोर हो गया। या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू टेन सेमी कॉलन y इक्वल टू ट्वेंटी, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर यहां पे हम लिख सकते हैं x कॉमा वाई इक्वल टू, हम यहां पे लिख सकते हैं कि टेन कॉमा ट्वेंटी, तो इस तरह से भी इसको हम असाइन कर सकते हैं। और जो माइनस में जो प्लस में असाइन करना है वो तो हम असाइन कर ही सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगली वीडियोज में हम इससे आगे की चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू।